आज हम देख लेते हैं ट्रैक ऑफ स्पाइन कार्ड, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर जो पासिंग थ्रू हो रहे होते हैं स्पाइन कार्ड से उनको कहते हैं ट्रैक ऑफ द स्पाइन कार्ड। स्पाइन कार्ड ट्रैक जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स में, एक होते हैं शॉर्ट ट्रैक्स और एक होते हैं लॉन्ग ट्रैक्स। शॉर्ट ट्रैक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर ऑफ द शॉर्ट ट्रैक्स आर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन कार्ड इटसेल्फ। स्पाइन कार्ड के जो पार्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जो क्या है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। शॉर्ट ट्रैक्स जो होते हैं दो होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एसोसिएशन या इंट्रिंसिक ट्रैक जो कनेक्ट करते हैं एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ द स्पाइन कार्ड को सेम साइड से, ठीक है, एसोसिएशन या इंट्रिंसिक ट्रैक। और जो एक होते हैं कमिश्नर ट्रैक जो होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं अपोजिट हाफ ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड को। देन हमारे पास लॉन्ग ट्रैक जो होते हैं स्पाइनल कार्ड के, विच आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ट्रैक, और ये कनेक्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड को विद अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। लॉन्ग ट्रैक में हमारे पास टू टाइप्स होती हैं इनकी, एक होता है असेंडिंग ट्रैक और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्रैक जो होते हैं वो कैरी करते हैं सेंसरी इम्पल्स को फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड टू द ब्रेन, और जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो कैरी करते हैं मोटर इम्पल्स को फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कार्ड। असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कार्ड जो है वो कैरी करते हैं इम्पल्स ऑफ द वेरियस सेंसेशन टू द ब्रेन। पाथवे फॉर द ईच सेंसेशन इज फॉर्म बाय द टू और थ्री ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होती हैं इसमें। अच्छा, इसमें तीन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, दो या तीन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, तीन ये क्या कर रही होती हैं आप एक ट्रैक बना रहे होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को फ्रॉम द रिसेप्टर से और सेंड करता है टू द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रेहान में, प्रेजेंट होती है वहाँ पे, अब स्पाइनल कार्ड वहाँ पे लेके जाता है थ्रू द एयर फाइबर से। नर्व सेल बॉडी जो होती है इन न्यूरॉन की कहाँ पे लाइक कर रही होती है, लोकेटेड होती है पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन में इनकी नर्व सेल बॉडी होती है। देन होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट होती है पोस्टीरियर ग्रेहान पे तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, प्रेजेंट होती है इन द पोस्टीरियर ग्रेहान में, और फाइबर फ्रॉम दीज न्यूरॉन फॉर्म द असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कार्ड। असेंडिंग ट्रैक बना रहे होते हैं स्पाइनल कार्ड की, दिस फाइबर कैरी द इंफॉर्मेशन सेंसरी इंपल्स लेके जाते हैं टू द फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड से डिफरेंट एरियाज ब्रेन में बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बिलो जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे डिफरेंट एरियाज में लेके जाती हैं, यानी कि सब पार्टिकल एरियाज होते हैं जिनको जैसे कि थैलमस है वहाँ पे लेके जाते हैं। ऑल द जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं बाई द फाइबर ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से ऑफ द सेंसरी पाथवे के, एक्सेप्ट जो है असेंडिंग ट्रैक इन जो पोस्टीरियर वाइट फेनिकुलस है वो जो है वो फॉर्म हो रहा होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से फॉर्म हो रहा होता है। लेकिन जो जितने भी हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स हैं वो उसकी जो ट्रैक हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द सेंसरी पाथवे से, ठीक है, एक्सेप्ट जो है पोस्टीरियर वाइट फेनिकुलस से वो फॉर्म हो रहा होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, ठीक है। देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है आर इन दी सब कॉर्टिकल एरिया से ओरिजिन जाती है, फाइबर फ्रॉम दिस न्यूरॉन कैरी द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द सब कॉर्टिकल एरिया टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं। असेंडिंग ट्रैक जो होती हैं स्ट्रेटेड होते हैं डिफरेंट फेनिकुलाय में, और उनके फीचर्स जो हैं वो हम देख लेते हैं क्या होते हैं, हम टेबल देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वाइट कॉलम जो है हमारे पास फेनिकुलाइज में इंटीरियर वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम, तीन कॉलम होते हैं, ठीक है। और जो इंटीरियर वाइट कॉलम है उसमें होता है इंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक, और लैटरल जो लैटरल कॉलम जो होता है उसमें कौन होता है, लैटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक होता है, वेंट्रल स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक होता है, डार्सल स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक होता है, स्पाइनोटेक्टिकल ट्रैक होता है, फेसिकुलस डार्सोलैटरलिस होता है, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक है, स्पाइनो ऑलरी ट्रैक है, और स्पाइनो वेस्टिबुलर ट्रैक। ये एट ट्रैक्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, लाइक करते हैं लैटरल वाइट कॉलम के में लाइक आ रहे होते हैं। देन हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम में हमारे पास जो है वो तीन हैं, कौन से, फेस्कुलस ग्रिसालिस, फेस्कुलर क्यूनेटस एंड कॉमा ट्रैक ऑफ स्कॉल्स जो है ये हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम में होते हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर वाइट कॉलम का जो ट्रैक है इंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक उसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल से। एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक जो है वो फॉर्म हो रहा होता है बाय द फाइबर ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से ऑफ द पाथवे फॉर द फॉर्म कर रहा होता है पाथवे ऑफ क्रूड टच सेंसेशन, ठीक है। और सिचुएशन इसकी क्या होती है, एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक सिचुएटेड इन द एंटीरियर वाइट फेनिकुलस में होता है नियर द पेरिफेरी, ठीक हो गया। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक अराइज फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ द चीफ सेंसरी न्यूक्लाई ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, चीफ सेंसरी न्यूक्लाई ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है वहाँ से ये क्या करते हैं और अराइज करता है, और विच फॉर्म द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से फॉर्म हो रही होती है ऑफ द क्रूड टच पाथवे की, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन में, ठीक हो गया। और ये नर्व जो है रिसीव करती है इंपल्स ऑफ द क्रूड टच सेंसेशन फ्रॉम द प्रेशर रिसेप्टर से, और एक्सन ऑफ द जो एक्सन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की वो रीच होती है चीफ सेंसरी न्यूक्लियस थ्रू द पोस्टीरियर
नर्व रूट पे इसके जरिए आ रही होती है। इसका कोर्स क्या है, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो कंटेन कर रहा होता है क्रॉस फाइबर को भी, ठीक है, क्रॉस फाइबर होते हैं इसमें। और आफ्टर टेकिंग ओरिजिन, जैसे ये टेकिंग ओरिजिन करता है, कुछ दीज फाइबर जो हैं वो ओब्लीगली क्रॉस करते हैं ओब्लीगली इन द इंटीरियर वाइट कमीशन में, और देन इंटर टू द इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड। अब ये इंटीरियर वाइट कॉलम से क्या होता है, ओब्लीगली क्रॉस कर रहे होते हैं और ये इंटर हो जाते हैं इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड में, ठीक है। हेयर यहाँ पे क्या फाइबर जो है वो सेंड कर रहे होते हैं थ्रू द वन सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड, सेंड हो रहे होते हैं फ्रॉम थ्रू द वन अदर सेगमेंट जो जो होते हैं स्पाइनल कार्ड के, वहाँ से सेंड करते हैं ऊपर जाते हैं और इन द ब्रेन स्टेम से होते हुए मेडुला ओब्लॉन्गेटा और ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन से होते हुए रीच कहाँ पे पहुँचते हैं, थैलमस में, ठीक हो गया। ये यहाँ पे जाके कहाँ पे पहुँचते हैं, थैलमस में पहुँचते हैं। अच्छा ये है हमारे पास स्पाइनल ट्रैक में एंटीरियर स्पाइनल थैलमिक ट्रैक, ये वाला एंटीरियर, ठीक है। अ फ्यू फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है वो असेंड हो रहे होते हैं इन द पोस्टीरियर ग्रेहान, पोस्टीरियर ग्रेहान फॉर टू टू थ्री सेगमेंट के लिए इन द सेम साइड में, और देन क्रॉस हो रहे होते हैं इंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। कुछ फाइबर जो होते हैं इस ट्रैक के वो असेंड हो रहे होते हैं पोस्टीरियर ग्रेहान में फॉर टू टू थ्री सेगमेंट ऊपर जाएंगे जाते हैं, एंड देन सेम साइड पर जो है वो फिर सेम साइड पर ऊपर जाएंगे एंड देन क्रॉस हो जाएंगे अवर द इंटीरियर वाइट कॉलम में ऑफ द अपोजिट साइड वाइल असेंडिंग थ्रू द ब्रेन स्टेम में, और नंबर ऑफ फाइबर जो है कंसिडरेबली रिड्यूस हो रहे होते हैं सिंस कुछ फाइबर यहाँ पे क्या है कोलेटरल बना रहे होते हैं फॉर्म कर रहे होते हैं और वो रीच हो रहे होते हैं कहाँ पे, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम पे, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम पे। और टर्मिनेशन इसकी क्या है, द फाइबर ऑफ द इंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो टर्मिनेट कहाँ पे होता है, इन द वेंट्रल वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस का जो वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है वहाँ पे जो है टर्मिनेट होते हैं, और न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल थैलेमिक जो न्यूरॉन होती है ऑफ द स्पाइनल थैलेमिक न्यूक्लियस की, यहाँ से क्या है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो फॉर्म करा होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ दिस पैथवे, और फाइबर ऑफ द स्पाइनल थैलेमिक न्यूक्लियस से वो क्या करती है, कैरी करती है इन्फॉर्मेशन टू द सब सोमस्टैटिक एरिया में लेके जाती है, जो सेंसरी कॉर्टेक्स है ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ पे लेके जाती है। और फंक्शन इसका क्या है, ये एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो क्रूड या प्रोटोपैथिक सेंसेशन जो है वो यानी टच की सेंसेशन देता है क्रूड टच की। इफेक्ट ऑफ लियन क्या होता है, जब बायलैटरल लियन होगा जिस ट्रैक का तो उसकी वजह से लॉस ऑफ क्रूड टच सेंसेशन हो जाएगी और लॉस होगा सेंसेशन लाइक इचिंग एंड टिकलिंग यानी लॉस हो जाएगी, और यूनिलैटरल लियन होगा तो वो ऑफ दिस ट्रैक उससे क्या होता है लॉस हो जाएगा जो क्रूड टच है सेंसेशन अपोजिट साइड बिलो द लेवल ऑफ लियन, क्योंकि बिकॉज द फाइबर ऑफ दिस ट्रैक क्रॉस टू द अपोजिट साइड इन द स्पाइनल कार्ड, क्योंकि इससे क्रॉस हो रहे होते हैं ना फाइबर, इसलिए। देन हमारे पास लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो फॉर्म हो रहा होता है बाय द फाइबर अराइज फाइबर जो है फ्रॉम द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द पाथवे फ्रॉम द सेंसेशन लेके जाते हैं पेन एंड टेम्परेचर की, ठीक है। सिचुएशन क्या है इसकी, लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो सिचुएटेड होता है लैटरल कॉलम इन द लैटरल कॉलम में और टुवर्ड द मिडिल साइड नियर द ग्रे मैटर के साथ, ठीक है। उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, फाइबर ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो टेक कर रहे होते हैं ओरिजिन फ्रॉम द टू सोर्स से, एक है मार्जिनल न्यूक्लाई से और एक होता है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द रोनाल्डो, दो जगह से क्या करते हैं ओरिजिनेशन लेते हैं। इसका कोर्स क्या है, कोर्स ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक हैज क्रॉस फाइबर होते हैं इसकी, एग्जाम जो होती हैं फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस इन द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द रोनाल्डो जो है वो क्रॉस कर रही होती हैं टू द अपोजिट साइड और रीच होती हैं कहाँ पे, लैटरल कॉलम ऑफ द सेम सेगमेंट में रीच करते हैं पहुँचती हैं, और फ्यू फाइबर जो हैं वो असेंड हो रहे होते हैं वन और टू सेगमेंट में भी, क्या है कुछ फाइबर ऊपर चले जाते हैं एंड देन क्या है कुछ क्रॉस करते हैं टू द वही जो एक दो सेगमेंट ऊपर जाते हैं देन वो क्या करते हैं क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड एंड देन असेंड हो जाते हैं लैटरल कॉलम में, ठीक है। ऑल फाइबर जो हैं वो पास हो रहे होते हैं थ्रू द मेडुला पॉन एंड मिड ब्रेन से और रीच करते हैं कहाँ पे, थैलेमस में अलॉन्ग द फाइबर ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, जिस तरह एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो रीच होता है थैलेमस में और ये भी वहीं पे आ जाते हैं और फॉर्म कर रहे होते हैं कोलेटरल्स एंड कुछ फाइबर जो है वो कहाँ पे जाते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम। अच्छा ये हमारे पास जो है इन्होंने फिगर में बताया हुआ स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक एंड पाथवे ऑफ द क्रूड टच पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो क्रूड टच सेंसेशन लेके जाता है जो इन्होंने रेड में शो किया हुआ है और जो ब्लू में शो किया हुआ है वो है हमारे पास पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है। हम सबसे पहले एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक देख लेते हैं, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये हमारे पास रेड वाली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है जो है चीफ सेंसरी न्यूक्लाई से लेके जाती है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ओरिजिनेट होती है देन पहुँचती है वो थैलेमस पे जो है वो टर्मिनेट हो रही होती है, ठीक है, थैलेमस में टर्मिनेट होती है और वहाँ से जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो जाती है सेंसरी कॉर्टेक्स पे, ठीक है। और हमारे पास जो लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक जो है वो ओरिजिन करता है कहाँ से, हमारे पास सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा और द ठीक है
ओपन टेम्परेचर रिसेप्टर जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से जाते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो पहुँचती है थैलमस में, सेकेंड ऑर्डर जो न्यूरॉन जो है थैलमस में पहुँचती है थ्रू द स्पाइनल लेमिनिस्कस से होती हुई फोन मॉड्यूला स्पाइनल लेमिनेटा से होती हुई जाती है थैलमस में पहुँचती है, और ये दोनों जो है वो आप स्पाइनो थैलमिक जो जो थर्म जो लैटरल स्पाइनल थैलमिक ट्रैक है वो टर्मिनेट होता है सेंसरी कॉर्टेक्स पे। अच्छा, इसकी जो हम देख लेते हैं फाइबर ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलमिक ट्रैक जो है फॉर्म कर रहे होते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड अलॉन्ग विद द फाइबर ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल स्पाइनल थैलमिक ट्रैक एट द लोअर पार्ट ऑफ द मेड्यूला में फॉर्म कर रहे होते हैं। टर्मिनेशन जो है वो कहाँ पे होती है, फाइबर ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलमिक ट्रैक जो है टर्मिनेट होते हैं वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस में अलॉन्ग विद द जो एंटीरियर जो सॉरी ये लैटरल जो है वो कहाँ पे टर्मिनेट होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस में और अलॉन्ग विद द एंटीरियर जो स्पाइनोथैलमिक ट्रैक है उसके फाइबर के साथ जो टर्मिनेट हो रहा होता है। हाँ, और फ्रॉम हियर जो यहाँ से क्या है थर्ड नर्व फाइबर जो है वो रन हो रही होती है टू द सोमेस्थेटिक एरिया में जिसको सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन इसके क्या फाइबर ऑफ द लैटरल स्पाइनोथैलमिक ट्रैक जो है वो कैरी करते हैं इंपल्स ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर जो अराइज सेंसेशन कैरी कर रहे होते हैं। फाइबर अराइज हो रहे होते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस से वो क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स ऑफ फास्ट पेन। मार्जिनल न्यूक्लियस से जो फाइबर्स अराइज होते हैं वो क्या करते हैं फास्ट पेन होता है, और जो फाइबर अराइज होते हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ऑफ द रेटिनल से तो वो ट्रांसमिट करते हैं स्लो पेन और टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर सेंसेशन से, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लियन इसकी क्या है, इफेक्ट ऑफ लियन बायलेटरल लियन ऑफ द जो ट्रैक है लीड टू टोटल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन एंड बोथ साइड बिलो द लेवल ऑफ लियन, और यूनिलैटरल होगा तो क्या है सक्सेसिंग ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलमिक ट्रैक काज कर रहा होता है लॉस ऑफ पेन एनाल्जेसिया एंड टेम्परेचर थर्मोनेस्थीसिया बिलो द लेवल ऑफ लियन इन द अपोजिट साइड, ठीक है, क्योंकि क्रॉस हो रहे होते हैं इसके फाइबर। देन हमारे पास थर्ड है वेंट्रल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक यानी कि एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक इसको और इसका नाम क्या है ग्रोवर ट्रैक और इनडायरेक्ट स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक या एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक भी बोलते हैं इसके नाम है। इट इज कंस्टिट्यूटेड बाई द फाइबर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसमें होती हैं, और फाइबर ऑफ द सब इसमें फाइबर जो पाथवे किसके लिए होते हैं सब कॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन के लिए फाइबर्स होते हैं। ये सिचुएशन इसकी क्या है, ये ट्रैक जो है लैटरल वाइट कॉलम में सिचुएटेड होता है एंड द स्पाइन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में अलॉन्ग विद द लैटरल पेरिफेरी, ठीक है, और ओरिजिन ये कहाँ से करता है फाइबर जो है इन दिस ट्रैक के अराइज होते हैं फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस से इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से, और जो न्यूरॉन ऑफ द मार्जिनल न्यूक्लियस है फॉर्म कर रही होती है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वहाँ से अराइज होती है, और फाइबर फ्रॉम दीज न्यूरॉन मेक देयर फर्स्ट अपेयरेंस कहाँ पे देते हैं लोअर लंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड में, फर्स्ट अपेयरेंस इनकी होती है लोअर लंबर सेगमेंट में ऑफ द स्पाइनल कार्ड में, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर इन द पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन में होते हैं और रिसीव कर रही होती है इंपल्स ऑफ प्रोप्रिसेप्शन फ्रॉम द प्रोप्रिसेप्टर इन मसल टेनन और जॉइंट से, और फाइबर फ्रॉम द न्यूरॉन ऑफ द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन रीच होती है मार्जिनल सेल में और थ्रू द पोस्टीरियर नर्व रूट के जरिए यहाँ पे रीच करती है। देन इसका कोर्स क्या है, स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक जो है कंटेन कर रहा होता है बोथ क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड फाइबर में होते हैं इसमें, और मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर जो है वो फॉर्म कर आ रहे होते हैं फ्रॉम द मार्जिनल न्यूक्लियस से वो क्रॉस करते हैं मिड लाइन एंड द असेंड हो रहे होते हैं लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द अपोजिट साइड में, और कुछ फाइबर जो है वो असेंड हो रहे होते हैं लैटरल वाइट कॉलम ऑफ द सेम साइड आल्सो, और द नर्व फाइबर जो असेंड हो रही होती है थ्रू द अदर स्पाइनल सेगमेंट से सेगमेंट में मेडुला बोन्स एंड ब्रेन मिड ब्रेन से असेंड हो रही होती हैं टू द अबव लेवल। ये हमारे पास जो है इमेज है इनने दी हुई स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक एंड पाथवे ऑफ द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन, और देन क्या है फाइबर जो है वो अराइज हो जो रीच करते हैं सेरिब्रम में थ्रू द सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल में, और टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं टर्मिनेशन इसकी क्या है फाइबर टर्मिनेट होते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, और फंक्शन क्या करता है वेंट्रल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक जो है वो कंटेन कर रहा होता है फाइबर ऑफ द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन जिनमें प्रोप्रिसेप्टिव इंपल्स होती है मसल टेनन और जॉइंट्स की, और इंपल्स जो ऑफ द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन आल्सो कॉल्ड नॉन सेंसरी इंपल्स भी कहते हैं इनको, और इफेक्ट ऑफ लियन क्या होता है अगर लियन होगी ट्रैक को लीड टू लॉस ऑफ सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंस इन द अपोजिट साइड क्योंकि ये क्रॉस कर रहा होता है ना इसलिए। देन है हमारे पास डार्सल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक, ये वेंट्रल था और ये है डार्सल स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक जो है वो अदरवाइज क्या फ्लेजिस ट्रैक भी कहते हैं इसको, ड्रैग स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रल
ट्रैक भी कहेंगे, लाइक जो जिस तरीके से वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रम ट्रैक है, ये ट्रैक जो है आल्सो कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है बाय द सेकंड नर्व फाइबर फाइबर ऑफ द पाथवे ऑफ द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन लेके जाते हैं। द फाइबर जो है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसकी जो होती है वो कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन में होता है, बट फाइबर ऑफ दिस जो है फाइबर जो होते हैं इसके वो क्रॉस नहीं होते, वो अनक्रॉस होते हैं, वो क्रॉस नहीं होते। और ये इसकी सिचुएशन का है, स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक जो है इज सिचुएटेड इन द लैटरल कॉलम में होता है अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर लैटरल पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर टू द वेंट्रल सेरेब्रल ट्रैक के और एंटीरियर टू द एंट्री ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट के एंट्री के एंटीरियर होता है। और ओरिजिन इसकी कहाँ होती है, फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है वो ओरिजिनेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द डार्सल न्यूक्लियस ऑफ द क्लैक से और सिचुएटेड होते हैं इन द पोस्टीरियर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है इस इन फाइबर की अपर लंबर सेगमेंट में होती है और लोअर लंबर सेगमेंट एंड सैक्रल सेगमेंट द इंपल्स आर कैरी रोड अपवर्ड बाई द डार्सल नर्व रूट से टू द अपर लंबर सेगमेंट में आ रही होती है वहाँ से। देना इसका कोर्स क्या है, कोर्स इसका क्या है, फ्लैसिक ट्रैक जो है इस फॉर्म हो रहा होता है अनक्रॉस फाइबर से, ठीक है, और एग्जॉन जो होती हैं फ्रॉम दिस न्यूक्लियस जो है इन अ डार्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लैर्क जो है तक आती हैं और देन वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ओरिजिनेट होती है और वो रीच कर रही होती है लैटरल कॉलम ऑफ द सेम साइड में, एंड देन दिस फाइबर असेंड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट से होते हुए रीच करते हैं कहाँ पे, मेडुला एब्लिंगेटा में, और यहाँ से फाइबर जो है वो रीच करते हैं कहाँ पे, सेरेब्रम में इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए, ठीक है। टर्मिनेशन एंड फंक्शन इसका क्या है, फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है इन दी कॉर्टेक्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ सेरेब्रम अलॉन्ग विद द वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक के साथ ये क्या है टर्मिनेट हो रहे होते हैं। फंक्शन क्या, अलॉन्ग विद द वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक द डार्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक जो है वो कैरी कर रहे होते हैं इंपल्स ऑफ द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन विच इज नोन एज नॉन सेंसरी इंपल्स। हाँ, और इफेक्ट ऑफ लियन यूनिलैटरल लियन होगा अगर तो सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन जो है अगर हो जाए किसी की तो उसकी वजह से लियन ऑफ दिस ट्रैक सेम साइड जो है वो सेंसेशन लॉस होगी क्योंकि ये अनक्रॉस्ड जो इसके फाइबर होते हैं ये हम देख लेते हैं। ये सब स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक इन द पाथवे फॉर द सबकॉन्शियस एनेस्थीसिया सेंसेशन, ये हमारे पास जो है ये वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक है और ये डार्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक है। यहाँ पे इसकी जो सेकंड ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्रॉस किया देन ये क्रॉस होकर अपवर्ड गया बोन एंड मेडुला से होता हुआ ये सुपीरियर पेडंकल के जरिए से हमारे पास कहाँ में जाता है सेरेब्रम में चला जाता है। और यहाँ पे जो है जो डार्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक है वो के फाइबर जो है सेकंड ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये सेकंड ऑर्डर है, तो ये क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है टर्मिनेट होती है यहाँ पे और यहाँ से जो है ये डार्सल न्यूक्लियस ऑफ द क्लैक से यहाँ से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाती है अपवर्ड बोन मेडुला से होते हुए ये इन्फीरियर पेडंकल से होती हुई जाती है सेरेब्रम में, ठीक है। जो वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक है वो सुपीरियर पेडंकल से पास होता है और जो डार्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक है तो वो इन्फीरियर पेडंकल से होता हुआ जाता है, ठीक है। देन है हमारे पास जो है स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक जो है इज कंसिडर एज अ कंपोनेंट ऑफ द एंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक का कंपोनेंट भी कहते हैं क्योंकि इट इज़ कंस्टेंट बाय द फाइबर ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर कंस्टेंट हो रहे होते हैं। सिचुएशन स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक जो है वो कवाय कर रहा होता है लैटरल साइड ऑफ द लैटरल वाइट कॉलम के को और द इंटीरियर टू द लैटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक होता है ये और इट इज़ बाउंडेड इंटीरियर बाय द इंटीरियर नर्व रूट से क्या होता है बाउंड हुआ होता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से है, फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है ओरिजिनेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द चीफ सेंसरी न्यूक्लियस लाइक स्पाइनोथेलमिक ट्रैक की तरह। फर्स्ट अपीयरेंस ये देता है कहाँ पे, अपर लंबर सेगमेंट में, और दिस ट्रैक इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन सर्वाइकल सेगमेंट में प्रोमिनेंट होता है। इसका कोर्स जो है स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक जो है वो कंटेन कर रहे होता है क्रॉस फाइबर्स में। आफ्टर टेकिंग द ओरिजिन फाइबर क्रॉस कर रहे होते हैं टू द अपोजिट साइड थ्रू द इंटीरियर वाइट कमीशन से टू द लैटरल कॉलम में आ जाते हैं एंड देन दीज फाइबर असेंड टू द मिड ब्रेन अलॉन्ग द इंटीरियर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक के साथ ये अपवर्ड जाता है। और टर्मिनेशन इसकी क्या है, फाइबर जो है स्पाइनोट्रैक्टल ट्रैक के ये एंड होते हैं सुपीरियर कलकस ऑफ टेगमेंटम इन ब्रेन में मिड ब्रेन में, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक इज कंसर्न विद द स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स से कंसर्न है इसका। देना फेस्कुलस डार्सल लैटरलाइजस जो है ये अदरवाइज कॉल द ट्रैक ऑफ लेयर ये इट इज़ कंसिडर एज अ कंपोनेंट होता है लैटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक का एंड इट इज़ कंस्टिट्यूएंट बाय द फाइबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसमें होते हैं
क्योंकि सिचुएशन लीजर ट्रैक जो होता है वी सिचुएटेड होता है इन द लेटर वाइट कॉलम में बिटवीन द पेरिफेरी ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड द टिप ऑफ पोस्टीरियर ग्रेहान की टिप पे। ओरिजिनल लीजर ट्रैक जो है फॉर्म हो रहा होता है फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से और इंटर होते हैं स्पाइनल कार्ड में थ्रू द लेटर वेन ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट की। और इसका लीजर ट्रैक जो है वो कंटेन करता है अनक्रॉस फाइबर से। आफ्टर एंटरिंग द स्पाइनल कार्ड द फाइबर पास अपवर्ड और डाउनवर्ड, पहले अपवर्ड जाएंगे कुछ और कुछ डाउनवर्ड फ्यू सेगमेंट जाते हैं इन द सेम साइड एंड सिनैप्स कर रहे होते हैं विद द सेल ऑफ सब्सटेंसा जेलेटिनोसा। और एग्जान फ्रॉम दिस सेल जो है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो क्या करती हैं ज्वाइन कर रही होती हैं लेटर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक को। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये फाइबर ऑफ द जो डार्सल लेटरल फेसिकल्स हैं वो कैरी कर रहे होते हैं इम्पल्स ऑफ पेन एंड थर्मल सेंसेशन को। देन स्पाइनो रेक्टिकुलर ट्रैक सेवन्थ है। स्पाइनो रेक्टिकुलर ट्रैक जो है फॉर्म हो रहा होता है बाई द फाइबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से। ये दिस ट्रैक इज सिचुएटेड इंटीरियर लेटर वाइट कॉलम में सिचुएटेड होता है। ओरिजिन इसकी क्या है, ये ट्रैक राइज होता है इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस से। इसका कोर्स एंड टर्मिनेशन कहाँ पे है, कोर्स स्पाइनो जो रेटिकुलर ट्रैक है वो कंसिस्ट कर रहा होता है क्रॉस और अनक्रॉस्ड फाइबर्स पे। आफ्टर टेकिंग द ओरिजिन सम फाइबर जो है वो क्रॉस हो रहे होते हैं मिड लाइन को और देन असेंड करते हैं अपवर्ड, और कुछ फाइबर जो असेंड होते हैं जो रिमेनिंग फाइबर है वो असेंड हो रहे होते हैं इन सेम साइड विदाउट क्रॉसिंग। टर्मिनेशन ऑल द फाइबर टर्मिनेट इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ये सारे फाइबर जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं इन द ब्रेन स्टेम तीन तरीके से। कुछ फाइबर जो है टर्मिनेट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलस और जेंटो सेलुलरिस एंड द लेटरल रेटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द मेड्यूला इन द सेम साइड, और कुछ फाइबर टर्मिनेट होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द अपोजिट साइड। उसमें सम फाइबर जो टर्मिनेट होते हैं सेकेंड तीन तरह होते हैं, एक यहाँ पे होते हैं कुछ और कुछ होते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलरिस पोन्टाइस क्यूडेलिस ऑफ द पोन्स इन द सेम साइड और अपोजिट साइड, और फ्यू फाइबर जो टर्मिनेट होते हैं इनमें मिड ब्रेन में। फंक्शन इसका क्या है, फाइबर ऑफ द स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक जो है आर द कंपोनेंट ऑफ असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं और आर द कंसर्न विद द कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के तौर पर ये कंसर्न कर रहा होता है। देन स्पाइनो ऑल्वरी ट्रैक, स्पाइनो ऑल्वरी ट्रैक जो है वो सिचुएटेड होती है एंटीरियो लेटरल पार्ट ऑफ वाइट कॉलम में। ओरिजिन ऑफ दिस फाइबर ट्रैक इज नॉट अ स्पेसिफिक और हाउएवर दिस फाइबर जो टर्मिनेट होते हैं ऑलवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ओब्लॉन्गेटा में, और यहाँ पे जो हेयर द न्यूरॉन जो है प्रोजेक्ट कर रही होती है इनटू द सेरिब्रम में, और ये कंसर्न होते हैं प्रोप्रिसेप्शन के तौर पे, कंसर्न विद द प्रोप्रिसेप्शन। देन स्पाइनो वेस्टिब्युलर ट्रैक, स्पाइनो वेस्टिब्युलर ट्रैक जो है सिचुएटेड होता है लेटर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड में, और फाइबर ऑफ दिस ट्रैक जो है वो अराइज हो रहे होते हैं ऑल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड से और टर्मिनेट होते हैं ऑन द लेटर वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस में। दिस ट्रैक जो है आल्सो कंसर्न विद द प्रोप्रिसेप्शन, ठीक है। देन हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसालस एंड फेसिकुलस क्यूनिडस, क्योंकि ये पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक हैं। फेसिकुलस ग्रेसालस आर ट्रैक ऑफ कॉल और ट्रैक ऑफ बर्ड एच। फेसिकुलर ग्रेसालस एंड फेसिकुलर क्यूनिडस जो है टुगेदर कॉल्ड, इनको कहते हैं असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक, और ये दिस ट्रैक जो है फॉर्म हो रहे होते हैं बाई द फाइबर ऑफ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से। दस बोथ ट्रैक जो है कंस्टिट्यूट बाई द फाइबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ सेंसरी पाथवे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से कंस्टिट्यूट कर रहे होते हैं। और सिचुएशन ट्रैक ऑफ द गोल एंड बर्डेज जो है सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम इन द स्पाइनल कार्ड में, इसलिए इनको कहते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम ट्रैक। और सर्वाइकल एंड अपर इन द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक लेवल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड में होते हैं, और पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो है डिवाइड हो रहा होता है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम इनटू मीडियल फेसिकुलस ग्रेसालस और लेटरल फेसिकुलस क्यूनेटस। ये मीडियल जो होता है वो फेसिकुलस ग्रेसालस है, लेटरल फेसिकुलस क्यूनेटस है। दस फेसिकुलस ग्रेसालस जो है सिचुएटेड होता है मीडियली इन द बिटवीन ऑफ पोस्टीरियर मीडियन सेल्कस और पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम ऑन वन साइड इन द पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेल्कस एंड द पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम ऑन द अदर साइड। फेसिकुलस क्यूनेटस जो होता है वो सिचुएटेड होता है लेटरली, इट इज़ बॉन्डेड मीडियली बाय द पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम और सल्कस इन लेटरली बाय द पोस्टीरियर ग्रेहान और ट्रैक ऑफ लेयर इन द पोस्टीरियर नर्व रूट से बॉन्ड होता है। इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, फाइबर ऑफ दी टू ट्रैक जो है ऑफ द एग्जान जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन इज इन द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में होते हैं एंड द फाइबर ऑफ दिस फॉर्म कर रहे होते हैं मीडियट वेन बंडल ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट फॉर्म कर रहे होते हैं।
इसका कोर्स क्या है, आफ्टर इंटरिंग द स्पाइनल कार्ड द फाइबर असेंड थ्रू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम, दिस फाइबर डज नॉट स्नैप टू द स्पाइनल कार्ड में नहीं होते, सम फाइबर ऑन ऑफ द मीडियल डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट के जो है वो डिसेंड हो रहे होते हैं थ्रू द पोस्टीरियर वाइट कॉलम और फॉर्म कर रहे होते हैं फेसिकुलस इंटरफेसिकुलरिस और कॉमन ट्रैक ऑफ स्कॉट्स। फेसिकुलर ग्रिसेलिस जो है वो कंटेन कर रहा होता है फाइबर फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द सैक्रल लंबर लोअर थोरेसिक गेंगलिया एंड द पोस्टीरियर नर्व रूट से, और फेसिकल कोनेटिस जो है वो कंटेन कर रहा होता है फाइबर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक थोरेसिक सर्वाइकल गेंगलिया एंड द पोस्टीरियर नर्व रूट से। अच्छा इसकी टर्मिनेशन जो है वो कहाँ पे होते हैं, द ट्रैक ऑफ गोल इन बर्डेज जो है टर्मिनेट होते हैं इन मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, और फाइबर ऑफ द फेसिकुलस ग्रिसेलिस जो है टर्मिनेट होते हैं न्यूक्लियस ग्रिसेलिस में, और दो फाइबर ऑफ फेसिकुलस क्विनेटिस जो है वो टर्मिनेट होते हैं न्यूक्लियस क्विनेटिस में। न्यूरॉन ऑफ दीज मेडुलर न्यूक्लियस फ्रॉम यहाँ से क्या होता है, मेडुलर न्यूक्लियस से क्या है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है राइज हो रही होती है, और एग्जाम ऑफ द सेकंड न्यूरॉन जो है फॉर्म कर रहे होते हैं इंटरनल आर्किट फाइबर, और इंटरनल आर्किट फाइबर जो है फ्रॉम बोथ साइड क्रॉस करते हैं मिड लाइन पे और फॉर्म कर रहे होते हैं सेंसरी डिसोसिएशन एंड देन असेंड कर रहे होते हैं पोन्स और मिड्रेन एज अ मिडल लेमिनिस्कस। फाइबर ऑफ द मिडल लेमिनिस्कस जो है टर्मिनेट होते हैं वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल ट्यूंकल्स ऑफ द थैलमस में, और फ्रॉम हेयर फाइबर ऑफ थर्ड न्यूरॉन जो है आर रिलेट टू द सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रम। फंक्शन इसका क्या है, द ट्रैक ऑफ द पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो है कन्वे कर रहा होता है इंपल्स ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन, फाइन टेक्टाइल सेंसेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, एबिलिटी टू लोकेट द एरिया ऑफ स्किन वेयर टेक्टाइल स्टिमुलेशन इज अप्लाइड विद क्लोज आइज, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई टू रिकॉग्नाइज टू स्टिमुलाई अप्लाई ओवर द स्किन साइमल्टेनियसली विद क्लोज आइज, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन जो है एबिलिटी टू परसीव वाइब्रेशन फ्रॉम द वाइब्रेटिंग टर्निंग फोर्क जो आप बोनी प्रोमिनेंस पे रख रहे होते हो, कंडक्ट अ डीप टिश्यू थ्रू द स्किन, इट इज सिंथेटिक इन सेंस प्रोड्यूस बाई द कम्बिनेशन ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशन। देन है कॉन्शियस कैनेस्थीसिया सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ अवेयरनेस इन वेरियस मस्कुलर एक्टिविटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो सेंसेशन, एंड देन है स्टीरियोगनेसिस, स्टीरियोगनेसिस जो है वो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ नोन ऑब्जेक्ट बाय टच विद क्लोज आई इन ऑल, ये आल्सो एस एन एस्थेटिक सेंसेशन प्रोड्यूस बाय कम्बिनेशन ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशन। अगर इसमें इफेक्ट एलियन हो जाए तो क्या होता है, एलियन हो जाए तो alien of the nerve fiber of in the track of golden birdage alien of the posterior column track will lead to following symptoms, kya hota hai loss of tactile sensation ho rahi hoti hai, however crowd touch sensation jo hai normal hoti hai, loss of tactile localization, two point discrimination loss ho jayegi, loss of sensation of vibration, astrognosis jo hai ability to recognize known object by touch while closing the eyes wo khatam ho jayegi, loss of ability to differentiate the weight of different object loss ho jayegi, loss of proprioception inability to appreciate and the position and movement of the different part of the body वो लॉस हो जाएगी, सेंसरी एटेक्सिया ऑफ आर पोस्टीरियर कॉलम एटेक्सिया जो है वो कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अनकंट्रोल्ड स्लो एंड कॉज्मी वॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती है बिकॉज लॉस ऑफ प्रोप्रिसेप्शन हो तो। देन है कॉमन ट्रैक ऑफ स्कल्स, कॉमन ट्रैक ऑफ स्कल्स जो है वो उसको हम कहते हैं फेसिकुलस इंटरफेसिकुलरिस, ये सिचुएटेड होता है बिटवीन द ट्रैक ऑफ गोल एंड बर्डेज के दरमियान फेसिकल क्विनेटिस ग्रिसेलिस के दरमियान होता है, दिस ट्रैक फॉर्म कर रहा होता है शॉर्ट डिसेंडिंग फाइबर जो अराइज हो रहे होते हैं फ्रॉम द मीडियल डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर नर्व रूट से, दिस फाइबर जो है आल्सो कंसर्न कंसिडर एज अ डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द ट्रैक ऑफ गोल एंड द बर्डेज के डिसेंडिंग ब्रांच भी कहते हैं इनको। फंक्शन ऑफ दिस ट्रैक टू एस्टेब्लिश द इंटर सेगमेंटल कम्युनिकेशन टू फॉर्म अ शॉर्ट रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म करना होता है इसका काम। इमेज भी हम जल्दी से देख लेते हैं इसकी, ये है हमारे पास जो है टच एंड टच रिसेप्टर एंड प्रोप्रिसेप्टर, ये है हमारे पास फेसिकुलस ग्रिसेलिस, ये लोअर लिम से लेके आता है ये अपवर्ड, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है यहाँ पे जाती है कहाँ पे न्यूक्लियस ग्रिसेलिस तक जाती है, और सेकंड जो हमारे पास फेसिकुलस क्विनेटिस है इसकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से जाती है यहाँ पे क्रॉस नहीं करती ये, और ये यहाँ पे जाती है फेसिकुलस क्विनेटिस पे, और यहाँ से जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो अपनी अपनी जाती है इंटरनल आर्किट फाइबर से होते हुए, ये जाती है मीडियल लेमिनिस्कस से होती हुई थैलमस तक जाती हैं, और थैलमस से हमारे पास जो है सेकंड थर्ड ऑर्डर जो न्यूरॉन है वो अराइज होती हैं जो जाती हैं सेंसरी कॉर्टेक्स पे। ठीक है, ये हमारे पास जो था इमेज थी किसकी,
फेस्किल्स क्रेनेटस और फेस्किल्स ग्रेसैलस की। अच्छा, ये हमारे पास जो है असेंडिंग ट्रैक्स हैं, असेंडिंग ट्रैक्स फेस्किल्स ग्रेसैलस फेस्किल्स क्रेनेटस, ये हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम जो है वो ट्रैक हैं। देन है फेस्किल्स डार्सिलेटस, ये हमारे पास जो है ये है। देन है हमारे पास डार्सल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक, लेटरल स्पाइनल सेरेब्रल ट्रैक, स्पाइनल ऑलवरी ट्रैक, स्पाइनल ट्रैक्टिकल, एंटीरियर स्पाइनल थर्मिक ट्रैक। ये सारे जो हैं ये एंटीरियर कॉलम का है और ये लेटरल कॉलम के हैं ये सारे, और दो ये हैं पोस्टीरियर कॉलम के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंटीरियर वाइट कॉलम का जो है एक ही ट्रैक होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और चीफ सेंसरी जो न्यूक्लियस है वहाँ से ओरिजिन कर रहा होता है। और इसका कोर्स क्या है, ये क्रॉसिंग इन स्पाइनल पार्ट को क्रॉस करता है फ्रॉम द स्पाइनल लेमिनिस्कस में, ठीक है, और टर्मिनेट होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, और इसका फंक्शन यह क्रूड टच की सेंसेशन जो है वो देता है। देन हमारे पास लैटरल वाइट कॉलम, लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक इसका फर्स्ट ट्रैक है, वो क्या, वो कहाँ से ओरिजिन करता है, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा से, और ये क्रॉस करता है, इसका कोर्स है ये क्रॉसिंग द स्पाइनल कार्ड फ्रॉम द स्पाइनल लेमिनिस्कस, और ये टर्मिनेट होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस पे, और पेन और टेम्परेचर सेंसेशन देता है, ये जो है वो दे रहा होता है सेंसेशन। देन है वेंट्रल स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक, ये मार्जिनल न्यूक्लियस से ओरिजिन करता है, क्रॉस करा होता है स्पाइनल कार्ड में, और ये एंटीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम में टर्मिनेट होता है, ये सब कॉन्शियस काइनेस्थीसिया सेंसेशन देता है। और जो डार्सल सेरेब्रो स्पाइन डार्सल स्पाइन स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक जो है वो क्लैक न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होता है, और इसका ये अनक्रॉस्ड फाइबर होते हैं ये, और ये एंटीरियर लोब ऑफ द सेरेब्रम में टर्मिनेट होता है, और ये सब कॉन्शियस काइनेस्थीसिया सेंसेशन देता है। देन है लैटरल वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम जो है का जो फिफ्थ जो है हमारे पास जो है सॉरी फोर्थ जो है वो है हमारे पास फोर्थ जो है स्पाइनोटैक्टल ट्रैक, ये चीफ सेंसरी न्यूक्लियस से जो है ओरिजिन करता है, देन क्रॉसिंग इन द स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करता है, और स्पाइन सुपीरियर कॉलिकुलस पे टर्मिनेट होता है, और स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स देता है। देन है फेस्कुलस डार्सिलस, ये पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन से ओरिजिन लेता है, और कंपोनेंट ऑफ द लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक का कंपोनेंट है, और ये सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा पे टर्मिनेट हो रहा होता है, और ये पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन देता है। और देन है हमारे पास स्पाइनो रेक्टिकुलर ट्रैक, ये इंटरमीडियट लैटरल सेल से जो है ओरिजिन करता है, ये क्रॉस एंड अनक्रॉस फाइबर दोनों होते हैं इसमें, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम पे टर्मिनेट होता है, और कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस के लिए की सेंसेशन हो रही होती है। देन स्पाइन ऑलवरी ट्रैक, ये नॉन स्पेसिफिक कहाँ से होता है ये नहीं पता, बट ये क्रॉस करते हैं अनक्रॉस फाइबर होते हैं, ऑलवरी न्यूक्लियस पे टर्मिनेट होता है, और ये प्रोप्रिसेप्शन देता है। देन स्पाइनो वेस्टिबुलर ट्रैक, ये नॉन स्पेसिफिक कहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है, ये क्रॉस और कुछ अनक्रॉस फाइबर्स होते हैं इसके, ये लैटर न्यूक्लियस लैटर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जो टर्मिनेट करता है, और प्रोप्रिसेप्शन की जो वो देता है फीलिंग। देन हमारे पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम।